ये सक्रिय और गुणात्मक जॉइनिंग, सक्रिय यानी वो भी सक्रिय हो जाए, गुणात्मक यानी आगे से आगे काम चलता रहे। अब आज जो कुछ चीजें पुरानी रिपीट कर रहे हैं, पुराना रिवीजन भी कर रहे हैं, आज कुछ नई बात भी थोड़ी थोड़ी सी इसमें डालेंगे, सीखेंगे। यही साथी अभियान के बारे में बताएंगे। अब हम जो अभियान प्रचार कर रहे हैं ना अभी, तो हर कोई नहीं बताए, हमें लिस्ट भी बन गई, सब कुछ हो गया, पर हर कोई नहीं बताना है, उसी को बताना है जो इसमें एक्सपर्ट हो चुका है अभियान प्रचार में, तो प्रचारक बन गया अच्छी तरह से। और अंत में डॉक्टर किरण बेदी का वीडियो जरूर दिखाएं। तो ये बात पुरानी है, ये नई नहीं है, केवल रिविजन कर रहे हैं। और सहमति के साथ ही खरीदी हुए डॉक्यूमेंट से भी पहले उनके परिचितों की 11 या 21 साथियों की सूची बनवानी है, अच्छी शुरुआत करने के लिए, शुभ शुरुआत करने के लिए। वह साथ ही उनसे मीटिंग करने की तारीख भी 2 या 3 दिन के भीतर की निर्धारित करनी है। ये बात भी हम लगातार सीख रहे हैं, इसका भी आज हम रिविजन कर रहे हैं, अच्छी तरह से पक्की हो जाए, सब सबको पक्की हो जाए ये बात, ये नई नई है, रिविजन है, ध्यान रखना आप। जब उन 11 या 21 साथियों को फिर आप अभियान के बारे में बताते हैं और उनमें से जो सहमत हो जाते हैं उनकी भी समान रूप से सूची बनवानी है, यानी ये आगे से आगे ऐसे ही होना है। ऐसा नहीं कि एक बार तो सूची बनवा ली पहली बार, अब उनके माध्यम से जो साथी मिले वहां फिर जो तैयार हुए वहां सूची नहीं बनी, ऐसा नहीं करना हर जगह। और ये सारा प्रोसेस जो है ये आगे से आगे इसी तरह से चलना चाहिए। तो बहुत सारे साथी क्या कर रहे हैं कि पहली बार तो सूची बना रहे हैं और जब उनके आगे जा रहे हैं तो वहां सूची नहीं बना रहे, ये नहीं करना, हर जगह बनानी। और ये आज के ये नई सीख है आज की, मतलब जो समझ चुके हैं उनके लिए तो पुरानी होगी, और जो इस बात को जिन्होंने नहीं पकड़ा था उनके लिए आज ये नहीं होगी, कि आगे से आगे सिलसिला चलता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, वही तरीका वही प्रोसेस। ये भी एक आज नई बात हम सीख रहे हैं कि सूची उनसे प्राथमिकता में स्थानीय परिचितों की बनवाए हैं, दूर दूर वाले नहीं बनाए, कोई 500 किलोमीटर, कोई 800 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर था उनकी नहीं, पहले नजदीक जो वहीं जिस शहर गांव में हम रहते हैं वहां के साथियों की बनवानी, ताकि हम तुरंत काम स्टार्ट कर सके। ये नहीं थी ये बात हमने जो सीखी है। यथासंभव अभियान प्रचार की गतिविधि वितरण केंद्रों, ज्ञान केंद्रों, डिस्प्ले वॉल पर या होम मीटिंग के रूप में करें। थोड़ा सा बताने में कोशिश करें कि ग्रुप ग्रुप में बताई जाए, ताकि ज्यादा काम कर सकें, एक एक को बताएंगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन जितना संभव है, कई बार संभव नहीं होता, एक को ही बताना पड़ता है तो उसको भी छोड़ना नहीं है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनको छोड़ दो, पर कोशिश करो कि एक साथ तो ज्यादा काम कर पाएंगे। ये भी बात पुरानी है, ये रिवीजन कर रहे हैं हम। अभियान के प्रचार के लिए समूह के साथ जाएं, हमेशा हम समूह के साथ जाएं, हम खुद 2 3 4 साथी हों और पहली खरीदी साथ में रहकर कराएं, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है पहली खरीदी, और वहीं सारी चीजें समझाई जाती है, कंसिस्टेंसी भी समझाई जाती है। तो ये बातें भी पुरानी है, हम रिविजन कर रहे हैं। नए साथियों को भी तुरंत सिखाना शुरू कर दें, जैसे फॉर्म भरना, साथ में रहकर खरीद करवाना, सूची बनाने में मदद करना, और धीरे धीरे अभियान प्रचार का अभ्यास। ये आज बिल्कुल नई बात है, जो नए साथी हमें शामिल हुए हमारे टीम में उनको भी तुरंत उनके माध्यम से काम करवाना शुरू कर दें, ये बिल्कुल नई बात है। ये भी नई बात है, नए साथियों से तत्काल सूची बनाने में मीटिंग तय करने वाला तरीका हर नए साथी को अच्छी तरह से बताएं। ये जो बात है ना कि ये जो एक सिस्टम क्या है कि ये पूरा सिस्टम में आ जाना चाहिए, कि जब भी कोई सहमत होता है तो वो सूची बनानी है और मीटिंग आत्मात की तय करनी, ये नयों को भी सबको अच्छी तरह से बताऊं, ऐसा नहीं उनसे छिपा के रखना कोई सीक्रेट है, उनको बताना है ताकि वो भी उसी तरह से काम करने के लिए तैयार हो जाए, और उसका विजन समझाएं ताकि आगे से आगे ये तरीका बना रहे। और कैसे समझाएं, विजन के साथ ही, ऐसे अगर हम करेंगे तो हम बहुत जल्दी नए भारत का निर्माण कर सकते हैं, घर घर में जा सकते हैं, और आरसीएम जैसे इस पवित्र अभियान के माध्यम से हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं। नए साथियों को गुरुकुल के वीडियो दिखाएं और गुरुकुल में शामिल करें, जो हमारे नए साथी आ रहे हैं उनको पुराने वीडियो भी दिखाएं और गुरुकुल में आने के लिए भी उनको तैयार करें, ये भी पहले की है, ये रिविजन है। वरिष्ठ साथी ज्ञान केंद्रों को लगातार बढ़ाते रहे, वह सीखने की सिखाने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे, ज्ञान केंद्र खुलते रहने चाहिए, यानी जितना ही कारवा बढ़ेगा उतना ही सेंटर भी बढ़ते रहने चाहिए, और सिखाने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए, सिखाने वाले भी तैयार होते रहने चाहिए, ज्ञान केंद्र भी बढ़ते रहने चाहिए। ये बात जिनको पहले समझ में आ चुकी है उनके लिए पुरानी है, नहीं तो जिन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया उनके लिए नहीं मान सकते हैं।
ये एक बात जो समझने की है, गुणात्मक ज्वाइनिंग से ही आरसीएम का अभियान घर घर पर जा सकता है। इस तरीके के अलावा तो कोई तरीका है नहीं, और ये तरीका तो बड़ा आसान है, ये तो बड़ा टाइम बचा रहा हमारा। तो गुणात्मक और सक्रिय, सक्रिय होगी तो ही गुणात्मक होगी, देखो ये उससे जुड़ा हुआ शब्द है। नए साथियों को सिखाने के लिए तैयार करने, सीखने के लिए, नए साथियों को सीखने के लिए तैयार करने का तरीका। अब उनको भी हाथों हाथ सिखाना है, उसके क्या तरीका? शुरुआत में साथ में रखे हुए कुछ कामों में उनकी मदद लें, उनको अभी पहले कुछ बोलना नहीं, उनको केवल साथ में रखना शुरू कर दें, पहले दिन से, दूसरे दिन से ही, मतलब जब से वो शामिल होते हैं उनको, और उनकी कुछ कामों में मदद लें, जैसे कि डेमो में मदद लें, खरीदी में मदद लें, या किसी भी काम में, फॉर्म भरने में, लिस्ट बनाने में, जिस काम में जो साथी अच्छा लगे, जिस काम में जो साथी अच्छा लगे उससे उस काम के लिए मदद बढ़ाते जाएं। शुरू में तो बहुत सारे कामों में मदद लेके देखी, पर जिस काम में जो साथी अच्छा, ये ना सोचे हैं कि मेरे को मदद की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ, मेरे पास पुराने साथियों की टीम है, तो उनसे नयों से नहीं करवाना, नहीं, नयों से भले ही आप खुद भी पूरे खाली हैं, पुराने साथी भी बहुत सारे हैं, तो भी नयों से ही करवाना, और पुराने साथी हैं तो नयों को सिखाते भी जाए, उनसे करवाते भी जाए, ये बहुत जरूरी है। ये जो नई चीज सीखने की, काम नयों से ही करवाने हैं, भले आप उनको बताते जाए और उनसे करवाते जाए, ये एक बहुत अति आवश्यक चीज है जो आज हम सीख रहे हैं नई। और दूसरी चीज जो है, फिर उनको धीरे धीरे उस काम को अच्छी तरह से, पूरे तरह से करवाते जाएं, उनको पूरा विजन समझाएं और उनमें मालिक वाली भावना लाएं। जब आपके साथ वो लगातार रहेंगे, आपकी बातचीत रहेगी, होती रहेगी, तो धीरे धीरे हाँ वो आएगी कब, जब आप में, अगर आप में स्वार्थ लालच के तरीके से कर रहे हैं तो कुछ ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन विजन की कैसे हम घर घर जाके और एक कैसे लोगों की जिंदगी बना सकते हैं, कैसे ये सब कुछ हो सकता है, तो ये भावना लानी पड़ेगी मालिक वाली, वो जिम्मेदार बन जाएगा, बहुत जल्दी जिम्मेदार बन जाए वो, और इस प्रकार आगे से आगे आप अभियान प्रचारक तैयार कर पाएंगे, तो उन्हीं में से फिर धीरे धीरे अभियान प्रचारक भी तैयार हो जाएंगे। तो ये जो सारी चीज है ना, आज के लिए विशेष ये नई चीज है, और ये मैंने कहाँ से सीखी है, ये मैंने इसराइल से सीखी है, जिंदगी में जो घटनाएं हैं ना जो हमारे सामने, और वही सब कुछ सिखाता है, अन्य कहीं सीखने की जाने की जरूरत नहीं है। नए साथी पुराने साथियों से जल्दी सीख सकते हैं, और ये बिल्कुल 100% सत्य है। पुराने साथियों को सिखाने में तो बहुत टाइम इसलिए लग जाता है कि उनका पुराना सीखा हुआ, उसको पहले तो उसको निकालना, फिर नया सिखाना, पर नए बहुत जल्दी सीख जाते हैं, केवल हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि इनको सिखाना, हम सोचते हैं कि अभी तो नए हैं, नए को पुराना करना हमारे हाथ में। और